नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो द 6th CBSE बोर्ड के मैथ्स में एक्सरसाइज 6.2 के लिए आज डिस्कशन होगा। 6.1 का डिस्कशन पहले हो चुका है ऑलरेडी। NCERT बोर्ड का, चलिए पहला एक टॉपिक दिया हुआ है पैरेलल एंड आर ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन अगर इन लाइन को जितना भी एक्सटेंड करें, पूरा अर्थ में ग्लोब में घुमा दें, सीधा सीधा जितना भी ले जाएं आप, कहीं ये एक दूसरे को कट नहीं करें, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। ओके, चलिए पैरेलल लाइन सुन लिया। अभी एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर दिया, अब एंगल कौन से इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा पता। चलिए पहले एंगल्स का नाम ले लेते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? जो लाइन थोड़ा सा हल्का सा तिरछी है और दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहे हैं। तो ये नंबर लिख देते हैं एंगल का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। फिर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी अपोजिट एंगल। तो ये सारे एंगल सेम होंगे, एंगल 1 होगा वो भी एंगल 3 होगा, 3 होगा तो एंगल 5, इस तरह से आपने देखा। अब दूसरी तरफ देखिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये एक दूसरे के इक्वल भी है, मतलब 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 8, 1 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 5, सभी के बराबर है वन, एंगल 1, ठीक है। इसी तरह एंगल 4 इज इक्वल टू 6, एंगल 4 इज इक्वल टू 7, एंगल 4 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू ऑलरेडी इक्वल टू 2। तो अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है और अगर आपको ये एंगल पता है, तो मतलब कि आपको ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, और उसमें से अगर एक एंगल ये पता है, मान लीजिए आपको एक ही एंगल पूरे में बताया गया, सिर्फ यही एंगल बताया गया, तो बहुत परेशान होने का आवश्यकता नहीं। आपने पढ़ा ना स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, 180 में से माइनस कर दो आपको ये एंगल ऑलरेडी मिल जाएगा 4, और फिर जब ये मिल गया तो ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, एक नॉर्मल सा ज्ञान आपने ले लिया, नॉर्मल सी चीज आपने समझ ली। अब उन्होंने अलग अलग थ्योरम के नाम से, अलग अलग थ्योरम के द्वारा वो समझाया। अभी हमने नॉर्मली समझ लिया, अब उनके थ्योरम के हिसाब से समझ लेते हैं बुक के, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं,
लिखा हुआ है इफ अ ट्रांसवर्सल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ईच पेयर आर इक्वल, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और ए एफ। तो एंगल ए बी एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ठीक है, और एंगल मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब कैसे इक्वल होंगी आप समझ लीजिए, मान लीजिए 45 डिग्री, तो ये 180 माइनस 45, 180 में से 45 माइनस करिए कितना हो, माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, हाँ कितना 135, हाँ जी 135। अब सब पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होगा, तो ये भी 45 इक्वल हो गया कि नहीं होगा। अब इसको 180 से माइनस करो तो ये भी 135 इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लाइन दो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो पैरेलल नहीं है ऐसे लाइन हो गया तो पॉसिबल नहीं। जब दो पैरेलल लाइन है तभी पॉसिबल है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या बता रहे हैं। अगला पॉइंट है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इक्वल कर रही, कट कर रहा, और अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन ए और लाइन बी पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल तभी पॉसिबल है जब एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन लाइन दोनों लाइन को कट कर रही है और ये दोनों पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन दोनों पैरेलल है एक दूसरे। चलिए अगला देखते हैं, थ्योरम 6.2 वो भी समझ लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पेयर अल्टरनेट इंटीरियर मींस ये और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये चीज मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, ये चीजें आपको पहले ही बता दी गई स्टार्टिंग में, लेकिन ये अब ये थ्योरम के थ्रू बता रहे हैं, तो आप दोनों चीज समझिए, पहले जो बताया गया वो भी समझिए। और ये थ्योरम इसलिए बताई जा रही है कि जैसे आप कल कोई क्वेश्चन पूछे कि ये है 135 डिग्री तो ये कितना है फाइंड करिए, तो आप कहोगे क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसीलिए ये जो पैरेलल लाइंस हैं दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये भी 135 डिग्री ही होगा। सो बाय द थ्योरम करके आप बता देंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या बता रहे हैं, इसी लाइन में देख लेते हैं, समझते हैं।
अगला कह रहे हैं 6.3 इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। कह रहे हैं सीधी सी बात से ट्रांसवर्सल लाइन है, एक लाइन दो पैरेलल दो लाइंस को कट कर रही है और इंटीरियर एंगल ये इक्वल है, इसका मतलब क्या ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, आप समझ गए। चलिए अगला कह रहा है इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो जो ईच पेयर मींस ये और ये सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि इन दोनों का सम, ए मान लो इसे बी तो ए प्लस बी का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ए प्लस बी का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। चलिए आखिरी जो है कि इफ ट्रांसवर्सल लाइन और इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटरसेक्ट एंगल द सेम ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू आर पैरेलल। तो मीन्स अगर ये सप्लीमेंट्री है ए और बी का सम, मीन्स ये तो बता रहे हैं ए और बी का सम 180 होगा तभी ये पैरेलल है, और आपको अगर चेक करना है दोनों लाइन पैरेलल तो आप ए और बी का जो भी वैल्यू है अगर आप सम करें 180 आ रहा है, इसका मतलब ए लाइन एल और एम क्या है पैरेलल। क्लियर। चलिए अभी तो थ्योरम हो गया, ये 6.5 और 6.6 क्या बता रहा है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि शालिनी की हाइट कोई ऐसा व्यक्ति, हाँ शालिनी की हाइट शालिनी की दीदी के बराबर और शालिनी अवनी की हाइट शालिनी की दीदी के बराबर, इसका मतलब शालिनी और अवनी की हाइट भी तो बराबर है, अभी तो एक कॉमन व्यक्ति की हाइट बराबरी हो रही है। जैसे कि देखिए कि अब तीन लाइन है, ये दो और ये तीन लाइन, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, मींस ये फिर मान लीजिए ए बी सी, ए पैरेलल टू बी एंड बी पैरेलल टू सी, इसका मतलब कि ए और सी भी तो पैरेलल हैं, अगर ए सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो मतलब बी भी इंटरसेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं, जी एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6.64, कितना दिया हुआ है 6.64 एक फिगर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना। चलिए देखते हैं फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर है साधारण ही समझ लेते हैं, ऐसा फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। और ये दे दिया गया 40 डिग्री और ये दे दिया गया 135 डिग्री। चलिए तो एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, हमें पता है ये इसके अपूर्व ये इक्वल होगा, कितना हो गया 40 डिग्री, यही एंगल हमें फाइंड भी करना है एक बार याद रखिए, और ये और इसका सम सप्लीमेंट्री होता है 180 माइनस 135 इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, दोनों का सम करो कितना हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा। ओके चलिए फिर क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, कहाँ गया, हाँ 6.2 एक्सरसाइज, क्या दिया हुआ है 6.2 एक्सरसाइज, इसको आप सॉल्व करिएगा, प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई हैं। ठीक है,
प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा, जहां कहीं पे भी आपको डाउट आए वहां पे उसको पूछिए, ठीक है। चलिए 6.2 एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिएगा, डाउट्स जो हैं इस पे आप कॉन्टेक्ट करिए, जो कुछ भी डाउट हो आप बिना कुछ झिझक के पूछिए, और अंत तक वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।